भाई बहनों, पत्रकार बंधुओं, अधिकारी बंधुओं, आप जानते हैं कि आज हमारे इस देश का सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का आगमन कुछ ही देर में होगा। आपको 21 तारीख को यानी कमल के फूल पर चुनाव निशान लगा करके भाई विजय राजभर को विजयी बनाना है। बंधु, इससे पहले या मेरा बेटा है, अगर हमको हार गए हम, यानी इससे विजय राजभर हमारा बेटा है, आप लोग 2019 की हार की कमी को विजय राजभर को जिता करके उस कमी को पूरा करें या प्रदेश सरकार से इस घोषी लोकसभा में, घोषी विधानसभा में होने वाले सारे विकास कार्य कराएंगे। बंधुओं, से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। 2014 में आपने हमें सांसद बनाया, हम घोषी लोकसभा क्षेत्र की जनता का सेवा किया, अरे हम मऊ में बैठकर सबकी समस्याएं सुने। 2019 में आप हमको इतना ज्यादा वोट किया कि 2014 से 1,00,000 वोट अधिक हमको आपने दिया है। बंधुओं, हमें 2019 में 4.5 लाख वोट मिला। मैं आज भी 4.5 लाख लोगों का एमपी हूं। हमारा उप सांसद का पैड आज भी मुझे उपलब्ध है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि निर्वाचित सांसद जेल में है, वो आज तक सदस्यता नहीं प्राप्त किया। बंधुओं, मैं आपसे कहना चाहेंगे कि आज भी हम वो जब तक जेल में है, जब तक सदस्यता प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक आज भी मैं लोकसभा का सांसद हूं और आज भी आप हमसे उसी तरह से सुलभता के साथ आप अपना काम करवाइए। इस क्षेत्र के, घोसी लोकसभा क्षेत्र का सारे विकास उत्तर प्रदेश सरकार से हो चाहे केंद्र सरकार से हो, मेरे पैर पर होगा, मेरे पैर पर स्वीकृति प्राप्त होगी। बंधुओं, मैं आज सांसद हूँ, हम आपका सेवा करने को तैयार हूँ। मात्र हम सदन में नहीं जा सकते, मैं तो आपकी समस्याएं हर जगह लेकर जा सकता हूँ। आप हमसे सेवा